स्नो की लाइट इतनी तेज है कि इर्द गिर्द सरसब ब्यूटी। अभी हम जा रहे हैं नरा से आके, जिस तरह लास्ट व्लॉग जहाँ पे हमने डिसकंटिन्यू किया था, अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा हुआ तो अभी आप पहले जाके वो व्लॉग देख लें। नरा से हम आगे निकल चुके हैं जी टुवर्ड्स बाबूसर टॉप रोड, और ये चेक करें यहाँ के सीन्स। असल खूबसूरती जो है वो जब आप निकलते हैं बटाकुंडी की तरफ और बाबूसर की तरफ नाराज़ ही, जैसे ही तो एरिया एक तो खुलना स्टार्ट हो जाता है और उसके साथ साथ जो व्यूज़ है ना वो माशाल्लाह एक कमाल के आपको नज़र आते हैं। चेक करें, और रोड भी यहाँ से आगे काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू जो नाराज़ से पहले रोड है, उसके मुकाबले में बहुत ही आला रोड बनी हुई है। न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, तकरीबन 2 साल पहले बनी थी, 2 से 3 साल, उस वजह से अभी तक बेहतरीन है, ये रोड ख़राब नहीं हुई। ये सामने एक छोटा सा प्यारा सा गांव है जी, बिल्कुल पहाड़ों के दामन में आप कह सकते हैं, और ये ऊपर के नज़ारे आप चेक करें साथ में, माशाल्लाह इतना प्यारा गांव है, छोटा छोटे छोटे घर बने हुए हैं, और इनका ये जो पे आप चेक करें, और इस एरिया को साथ साथ पिक्चर्स भी क्लिक कर रहे हैं, माशाल्लाह बेहतरीन खूबसूरत दिलकश। लो जी, एक और हमारा आ गया है ग्लेशियर क्रॉसिंग, चेक करें आप ये वाला जो ग्लेशियर है ना, दिस वन इज अमेजिंग आप कह सकते हैं। अल्लाह करे इससे आगे आगे हमें और भी अच्छे व्यूज़ मिले। पानी ज़्यादा है और इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, बेहतरीन हो गया जी। अभी चेक करें आप दरिया, और यहाँ से एरिया मज़ीद थोड़ा सा खुल गया है, इस तरफ पहाड़ की घर चेक करें आप, कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे घर हैं, एक एक दो दो घर हैं, और ये पहाड़ों के बिल्कुल पहाड़ के साथ साथ हैं, और ये पहाड़ भी जो है ना वो बिल्कुल खाली है, हल्का हल्का सा सब्ज़ा है इनके ऊपर।
कि आप जब भी विजिट करें तो आप मई जून में विजिट करें इस एरिया में। ये ऊपर आप चेक करें जी, एक वाटरफॉल भी है और साथ साथ यहाँ पे ग्लेशियर भी है। ग्लेशियर के अंदर से ही है वाटरफॉल। हल्की हल्की बारिश कतरे पड़े हुए हमारी गाड़ी की स्क्रीन के ऊपर। नाउ वी आर क्रॉसिंग फ्रॉम द ग्लेशियर और इसके अंदर से भी पानी निकल रहा है, नीचे से जो ऊपर आ रहा था। और तो साथ जो पहाड़ है ये बिल्कुल मिट्टी है। सामने वाला पहाड़ देखिए आप, बर्फ से फुली कवर्ड है और उसके ऊपर बादल भी आए हुए हैं साथ साथ। और इस तरफ मैं आपको चेक करवाता हूँ इन पहाड़ों के ऊपर कि जो बिल्कुल चोटी है इसके ऊपर बादल आ चुके हैं। और ये नीचे कच्चे घर बने हुए हैं। ये चेक करें जी आप ग्लेशियर, माशाल्लाह सही जिसको कहते हैं ना असल ग्लेशियर तो हमें अभी मिला है। इसकी हाइट आप चेक करें और विड्थ तो बिल्कुल ही कम है। अभी आगे से गाड़ी आ गई है तो उसको हमें रास्ता भी लेना पड़ेगा यहाँ पे। और बेहतरीन माशाल्लाह चेक करें आप, जैसे पहाड़ों के बीच में से हम जा रहे हैं, बर्फ के पहाड़ हैं ये हमारे दोनों तरफ और हम बीच में से गुजर रहे हैं। ये चेक करें ये यहाँ से ये बीच में से टूट भी गया है, गिर भी सकता है नीचे। जस्ट एक सिंगल गाड़ी यहाँ से गुजर सकती है, मतलब कि इतनी ज़्यादा एक बर्फ की लेयर है। और ये चेक करें और इसके साथ जो गांव है माशाल्लाह बहुत प्यारा गांव है। ग्रीनरी पे आपको दिखाता हूँ इस गांव की, ये चेक करें आप सामने। बाटाकुंडी के एरिया में हम एंटर हो चुके हैं और मेन जो मार्केट है या जो बाज़ार आप इसको कह सकते हैं वो थोड़ा सा आगे है तकरीबन 2 किलोमीटर। बट जो यहाँ के एक सीनिक वैली है वो स्टार्ट हो चुकी है। चेक करें आप, खुद ही आपको एक खूबसूरती इसकी नज़र आएगी। सामने आप देखिए पहाड़ बर्फ़ से फुली कवर्ड और इर्द गिर्द सरसब्ज और शादाब पहाड़, छोटे छोटे खेत में बने हुए हैं। बहुत ही प्यारा एरिया ये। जो नरा में अगर आप जब इस एरिया में आ जाएं जो सबसे खूबसूरत इस एरिया में एक तो बाबूसर टॉप है और उसके बाद ये जो बटाकुंडी का एरिया है ये आता है। सामने पहाड़ के ऊपर आप चेक करें बादल किस तरह आए हुए हैं और पहाड़ का जो टॉप है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। यूथ हॉस्टल बटाकुंडी और इस तरफ ये पहाड़। चेक करें गाइस, जस्ट सीन्स आप बस देखें और फील करें आप इस खूबसूरती को, आप महसूस ही कर सकते हैं माशाल्लाह। और ये सामने बटाकुंडी है, डिफरेंट यहाँ पे होटल्स भी हैं और अगर आप नारान में नहीं रुकना चाहते तो यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं नाइट। गाड़ी की हालत देख सकते हैं आप, एक तो टायर थोड़े बड़े हैं उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है और सेकेंडली रास्ते में कीचड़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा था। अभी हम क्रॉस करने लगे हैं जी बटाकुंडी ब्रिज को। पहले ये नीचे होता था वो पुराने वाला और अभी ये नया ब्रिज बन गया यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं जी न्यू ब्रिज।
अभी हम गुजर रहे हैं जी बट्टाकुंडी बाजार से, और बाजार जो है वो तकरीबन वो बंद पड़ा हुआ है क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट जो है वो नरा तक ही आते हैं आजकल, और वैसे भी टूरिस्ट कम आ रहे हैं जिसकी वजह से ये एरिया जो है वो उस तरह से भी ओपन नहीं हुआ। आगे हम ऊपर जाके भी देख लेते हैं कुछ जो मेन रिजॉर्ट्स वगैरह या होटल्स बने हुए हैं इस एरिया में, ये आप चेक करें। और ये भी लग रहा ऐसे ही है कि तकरीबन ये अभी तक बंद ही पड़े हैं। कुछ थोड़े थोड़े लोग हैं जो अपने अपने हट्स वगैरह पे काम कर रहे हैं रेनोवेशन या न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए, बाकी जितने भी मेन बड़े होटल्स हैं वो सब बंद पड़े हैं। और यहाँ से आप ये व्यू चेक करें, सुभान अल्लाह। तारा को कहते हैं सियाहों की जन्नत, और वाकई में अभी जो यहाँ के सीन्स हैं लग रहा है कि वाकई में सही कहते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड डू कमेंट एंड शेयर एज वेल।